झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेमरम ने आवासीय विद्यालय कुंदी पहुंचकर छात्राओं से किया संवाद। झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेमरम ने आज शनिवार को खूंटी के आवासीय विद्यालय कुंदी पहुंचकर छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान विधायक ने छात्राओं को बेहतर तरीके से पढ़ाई करने की बात कही। इस दौरान विधायक ने बच्चों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। दरअसल झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सभापति विधायक लोबिन हेमरम और सदस्य कोचे मुंडा आज शनिवार को खूंटी से चाईबासा जा रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने आवासीय विद्यालय कुंदी पहुंचकर छात्राओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने छात्राओं को मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई कर बेहतर रिजल्ट लाने की बात कही। से बातचीत देखिए, अभी चलते चलते क्योंकि कल ही हम लोगों ने छोटे कमेटी ने की तरफ से हम लोगों ने मन बनाया था कि चलते चलते जो कल्याण छात्रावास है, कल्याण विभाग में जो आवासीय विद्यालय है कि उसको भी हम लोग देखते चले। अच्छा लगा, रिजल्ट भी जो पता ही मैडम कि यहाँ पर करीब करीब 100% फर्स्ट डिवीजन बहुत अच्छा है। और खाने पीने का भी सारा चीज़ हम लोगों ने सोचा सब ठीक ठाक है। पानी का भी व्यवस्था ठीक है। बिजली का लोगों ने समस्या बताया कि यहाँ पर कुआं से या जो चापा नल है उसमें कनेक्शन कभी कभी कट जाने के बाद तो कभी लोड सेटिंग होता होगा, उसके लिए कुछ देर के लिए होता होगा, तो फिर भी कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग ने कहा कि इसको जगह ठीक कंटिन्यू कैसे रहे। और बच्चे लोगों को भी हम लोगों ने संबोधन किया है कि आपका बहुत खुश नसीब है आप लोग इसका आवासीय विद्यालय में आप लोगों का नामांकन हुआ है, रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा है और डिसिप्लिन में भी रहिए और गार्जियन को आप लोग बतरोने कोई फील नहीं हो, इसलिए कंपटीशन का जो है कंपटीशन के स्तर पर आप लोग अपना पढ़ाई पूरा करिए। और सभी शिक्षक 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 कर्मचारी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, सबों का बहुत प्रयास रहा है तब इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। और जो अभी बिल्डिंग बनने जा रहा है, हालांकि ये बहुत पुराना है लेकिन फिर भी इतना उपस्कर है, उपस्कर भी वगैरह सब लोगों को मिला है। सर, पोषाहार की जहाँ तक रही बात कि छात्रावास में बच्चों को बेहतर अनाज मिलता है लेकिन उसकी गुणवत्ता को लेकर सर कई बार सवाल उठते रहे हैं। नहीं, पता नहीं अभी तक उसका कंप्लेन तो आया नहीं, किसी ने नहीं कहा कि गुणवत्ता तो नहीं है, लेकिन सबों ने अच्छा बड़ा बताया है। और अब तो इन लोग वार्डन है जो लोगों पर डिपेंड करता है कि भाई अच्छा है या नहीं है, अगर अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। सर, में गड़बड़ियां भी सामने आई थी खान पान को लेकर के, क्या उस मीटर पे भी चर्चा हुई क्या यहाँ पर? जी नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं बताया। भवन सर क्या पुराना है तो मरम्मति की आवश्यकता है? भवन तो शायद मरम्मति हो रहा है ना, छात्रावास मरम्मति हो रहा है और एक भी सेक्शन हो गया है। आगे सर कोई नया बिल्डिंग भी इसका बनने का प्रस्ताव है? प्रस्ताव शायद भेजा गया, एक छात्रावास के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया।